गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बैडमिंटन का अगला वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग बैडमिंटन की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री हर चीज़ की होती है, ऐसे ही गेम्स की हिस्ट्री भी होती है, बड़े मज़ेदार हिस्ट्री होती है गेम्स की, तो हर गेम्स की हिस्ट्री रहती है। तो ऐसे ही बैडमिंटन की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में हम लोग जानेंगे कि कैसे बैडमिंटन का ईजाद हुआ, किसने ईजाद किया, उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका कि क्या है बैडमिंटन। वैसे हम सब लोग जानते हैं बैडमिंटन क्या है, पहले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका डिस्कशन करेंगे जिससे कुछ बच्चों को नहीं पता उन्हें पता चल जाए। दिया हुआ है, वी नो बैडमिंटन इज ए पॉपुलर गेम इन्वॉल्विंग द हिटिंग ऑफ ए शटल कॉर्क विद रैकेट्स। इट इन्वॉल्व टू अपोनेंट्स प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, बट इट कैन ऑल्सो बी प्लेड बाय टू टीम्स ऑफ टू प्लेयर ईच। मतलब जैसे कि ये पॉपुलर गेम है और दो लोगों के बीच में खेला जाता है, वो दो टीम भी हो सकती है, टीम में केवल दो प्लेयर होंगे। दो द प्रोफेशनल वर्जन ऑफ द गेम इज प्लेड इन ए कोर्ट। जो प्रोफेशनल वर्जन है इस प्ले गेम्स का वो कोर्ट में खेला जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। जैसे कि बताया कि जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं वो प्रोफेशनल वर्जन होता है, वो क्या होता है, कोर्ट में खेला जाता है। आगे पढ़ते हैं, विद द प्लेयर पोजिशन ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑफ नेट एंड सेवरल ऑफिशियल ओवरसीम द मैच। जिस प्रोफेशनल प्लेयर जो खेलते हैं वो कोर्ट में खेलते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल उनको ओवरसीम करते हैं, उस मैच को देखते हैं कहाँ फॉल्ट हो रहा है कहाँ नहीं। उसके बाद में, वी ऑफन सी पीपल इंजॉइंग इट एट होम इन देयर फ्रंट यार्ड्स इन एलीज और एनी स्पेस अवेलेबल जस्ट हैविंग टू रैकेट्स एंड ए शटल कॉर्क इज इनफ टू इन्वॉल्विंग इन द गेम ऑफ बैडमिंटन। इस प्लेयर के लिए इतना पॉपुलर गेम्स है कि इस गेम को हम लोग के लिए क्या, जरा कहीं भी जगह मिल जाती है वहाँ पे हम लोग खेल लेते हैं, चाहे वो एलीज हो, एलीज मतलब गलियाँ हो, स्ट्रीट में हम कहीं भी खेल सकते हैं इस गेम को। तो ये तो रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन, अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में इसकी। तो द हिस्ट्री ऑफ बैडमिंटन इज एन इंटरेस्टिंग वन। इट इज बिलीव दैट ए रूडिमेंटरी वर्जन ऑफ द गेम वॉज प्लेड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। मतलब यहाँ पे एक टर्म आया रिडिमेंटरी, रिडिमेंटरी का मतलब होता है जो बेसिक गेम होता है, जैसे किसी गेम की स्टार्टिंग होती है, जब बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी गेम्स का, तो वो जो बेसिक गेम्स स्टार्ट हुआ था, मतलब लोगों ने रैकेट बना के खेलना जब शुरू किया होगा, चाहे हो सकता है रैकेट में स्ट्रिंग एरिया ना हो, हो सकता है उन्होंने कार्डबोर्ड के थ्रू खेलना शुरू किया हो, मतलब कुल मिला के जब इसका बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था, कब, ब्रिटिश एरा था, मतलब वो खेला भी ब्रिटिशर्स ने, इंडियन प्लेयर को अलाउ ही नहीं था वैसे गेम खेलने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने लगान मूवी देखी होगी, है ना, इंडियंस को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, जो गेम्स वगैरह होते थे वो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे वो अपने इंजॉयमेंट के लिए खेलते थे। ऐसे ही नए नए गेम को उन्होंने ईजाद किया, इंग्लैंड ने बहुत सारे गेम्स को ईजाद किया है, तो ऐसे ही उसमें से एक बैडमिंटन है जो ब्रिटिश एरा में खेला जाता था। ब्रिटिश एरा तो आप जैसे जानते हैं 17 सेंचुरी के लास्ट में स्टार्ट हो गया था, इंडिया में आना आ गए थे, और वो तब से ये 1947 तक चला था, तो उस बीच में इस गेम का डेवलपमेंट हुआ। आगे पढ़ते हैं, इट वॉज नोन एज पूना एट द टाइम बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलरिटी इन द गैरिसन टाउन ऑफ पुणे। मतलब इस गेम को पहले पूना बोला जाता था, ध्यान रखेंगे, ये कभी ये टर्म आता है कि ये टर्म
किस से रिलेटेड है, किस गेम से रिलेटेड है, वरना पूछ लेंगे द ओल्डेस्ट नेम ऑफ द बैडमिंटन, है ना। तो आपको ये याद रखना होगा कि इस गेम को पूना बोला जाता था क्योंकि ये गेम बहुत पॉपुलर था पुणे में, पुणे के गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन का मतलब होता है कोई टाउन नहीं है पुणे में गैरिसन नाम का, गैरिसन का मतलब होता है जहाँ पर जो आर्मी पर्सन रहते हैं, जहाँ पर उनकी किलेबंदी होती है, जैसे कि कैंट एरिया, जैसे कि GTC है ना। तो ऐसे करके इन एरिया में जो लोग रहते थे, जो कर्नल और जो ऑफिसर लोग रहते थे, वो वहाँ पर ये गेम बहुत पॉपुलर हुआ था पुणे में, इसके लिए इसका नाम जो है पूना पड़ा। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं, द ब्रिटिश ऑफिसर्स पोस्टेड इन इंडिया टुक इट बैक होम। अब जैसे कि ब्रिटेन जो था, जो अपने ऑफिसर्स को भेजता था इंडिया में रूल करने के लिए, और उसके बाद में वापस जाते थे, जब वो वापस जाते थे तो यहाँ से जो इंडिया में जो गेम जो डेवलप हुआ बैडमिंटन, उसको वो अपने ब्रिटेन में भी लेके गए, वहाँ पर भी उन्होंने खेलना शुरू किया। फिर आगे पढ़ते हैं, तो द ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट ए ह्यूज सपोर्टर ऑफ पूना वुड प्ले विद हिज फ्रेंड्स एंड डॉटर्स एट बैडमिंटन हाउस इन बैडमिंटन ग्लुस्टनशायर। एक जगह है ग्लुस्टनशायर, वहाँ पर एक बैडमिंटन नाम का एक जगह था, वहाँ पर एक बैडमिंटन नाम की एक जगह थी जहाँ पर द ड्यूक ऑफ ब्रूफोर्ट, जो एक ड्यूक थे, राजा थे ब्रूफोर्ट के, वो वहाँ पर खेला करते थे। तो उस बैडमिंटन जैसी जगह के नाम पर ही बैडमिंटन आज हम लोग सुन रहे हैं। तो बैडमिंटन एक जगह का नेम है जहाँ पर जो ड्यूक थे वो उनके निवासी थे, उस चक्कर और वो उसके बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे, इसलिए उसका नाम बैडमिंटन रख दिया गया। आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे, द नेम बैडमिंटन वॉज एडॉप्टेड फ्रॉम द नेम ऑफ हिज स्टेट। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि ये कैसे कैसे ईजाद हुआ, कैसे कैसे इसका नाम पड़ा। दो नाम हुए, पूना हुआ जो हमारे इंडिया से लिया गया, और बैडमिंटन जो नाम जो था वो इंग्लैंड ने इसको दिया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा से, द स्पोर्ट वॉज प्लेड अंडर द पुणे रूल अंटिल 1887। 1887 तक क्या रहा कि जो पुणे में, जो जिस तरीके से पुणे में खेला जाता था, जिन रूल रेगुलेशन से खेला जाता था पुणे में, मतलब पुणे स्टाइल, एक तरीके से ये पुणे स्टाइल हो गया है ना, पुणे स्टाइल में जब खेला जाता था और पुणे के जो रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते थे वो 1887 तक फॉलो किए जाते थे। उसके बाद में वैन JHE Hart ऑफ द बाथ बैडमिंटन क्लब ड्रू अप रिवाइज्ड रेगुलेशन। उसके बाद में एक सज्जन हुए जिनका नाम था JHE Hart ऑफ द बाथ बैडमिंटन क्लब। ये एक बाथ बैडमिंटन क्लब, जो क्लब बना लेते हैं, जो जैसे एसोसिएशन बनते हैं वैसे क्लब बनते हैं अपने अपनी जगह पर, तो वो क्लब के जो थे ये मेंबर थे, इन्होंने क्या किया, उस रूल को रिवाइज्ड किया। इन 1890 हार्ट एंड बैगनल वाइल्ड रिवाइज द रूल्स अगेन। उनको दोबारा 3 साल के लिए जो था, इन्होंने जो JHE Hart ने रिवाइज किए, फिर 1890 में हार्ट एंड बैगनल वाइल्ड ने मिलकर फिर से रूल को रिवाइज्ड किया। ये बैगनल वाइल्ड नाम एक आया है, इसके बारे में बता देता हूँ, इनका भी एक हिस्ट्री है। बैगनल वाइल्ड ने एक टेक्निक का इजाद किया था, जिस तरीके जैसे आपने सुना होगा नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट, मैं दोनों में डिफरेंसेस आपको बता देता हूँ। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, एक टीम एक बार हारने के बाद बाहर हो जाती है, और लीग टूर्नामेंट में होता है एक टीम एक बार हारने के बाद बाहर नहीं होती है, उसे सारी टीम के साथ मैच खेलना पड़ता है। जैसे कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग, वो क्या है, एक लीग टूर्नामेंट है, लेकिन जब लीग टूर्नामेंट होने के बाद में उसमें बाद में नॉकआउट टूर्नामेंट भी कराते हैं जब 8 टीमें रह जाती हैं। ये जब आप 12th क्लास में आओगे तो मैं इसके पूरा चैप्टर है और जबकि सिलेबस में भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो वहीं पर एक टेक्निक है नॉकआउट टूर्नामेंट, बैगनल वाइल्ड टेक्निक, जिसके अकॉर्डिंग एक गेम होता। तो ये वही बंदे हैं, इन्होंने बैगनल वाइल्ड एक मेथड इजाद किया था जो नॉकआउट टूर्नामेंट का है।
इन्हीं ने ईजाद किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने रूल भी रिवाइज की और एक नॉकआउट टूर्नामेंट की टेक्निक भी दी। उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं, द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड BAE वॉज फाउंडेड इन 1893 एंड इट कंडक्टेड द फर्स्ट ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप इन 1899 फॉर जेंटलमैन्स डबल्स, लेडीज डबल्स, मिक्स डबल्स। फिर क्या हुआ, 1893 में जो था बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड डेवलप किया गया, एक एसोसिएशन बना गया जो केवल इंग्लैंड की थी। वो क्या हुआ, 1893 में हुआ और पहला जो मुकाबला जो खेला गया ऑफिशियली वो खेला गया 1899 में, ऑफिशियली उसको किया गया। वो किन किन कैटेगरी में था, जेंटलमैन डबल, लेडीज डबल एंड मिक्स डबल के लिए था। उसके बाद में इन 1934 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वाज स्टेबलाइज्ड अंडर द नेम ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। उसके बाद में 1934 में बैडमिंटन की एसोसिएशन बनी जो वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से जानी गई। और स्टार्टिंग में क्या था, 9 मेंबर कंट्रीज जो स्टार्टिंग में जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से जो कंट्री जुड़ी थी, स्टार्टिंग में 9 कंट्रियां थीं जिनके नाम दिए हुए हैं, देखिए, कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। इंडिया ज्वाइन द फेडरेशन एज एन एफिलिएट इन 1936 में इंडिया भी इसमें एफिलिएट हो चुका था। मतलब 1936 में इंडिया पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड एसोसिएशन से जुड़ा। उसके बाद में दिया हुआ है, इट नाउ हैज 176 मेंबर। एक्चुअली इसको करेक्ट कर लीजिए, आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में 194 कंट्रीज की मेंबर है। ये किताब में 2005 आई थिंक थोड़ी पुरानी किताब है इसलिए इसमें नहीं दिया है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। लेटेस्ट अपडेट में 194 मेंबर्स हैं जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, एंड इट्स हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड टू कुआलालंपुर इन 2005। अभी जो प्रेजेंट टाइम पे इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की कैपिटल है। टू मेजर टूर्नामेंट्स, द थॉमस कप फॉर मैन एंड उबेर कप फॉर वुमेन वर स्टार्टेड इन 1948 एंड 1956 रिस्पेक्टिवली। मतलब दो बड़े कप जो हैं इसके, जो इंटरनेशनल कप हैं, मतलब टूर्नामेंट बोलते हैं, कप का मतलब ये नहीं कि कप है, ये एक टूर्नामेंट है, ठीक है। ये जो है थॉमस कप है वो मैन के लिए खेला जाता है, उबेर कप है वुमेन के लिए खेला जाता है, और 1948 एंड 1956 में स्टार्ट हुआ था। थॉमस कप 1948 में स्टार्ट हुआ, उबेर कप 1956 में स्टार्ट हुआ। बैडमिंटन इज वेरी पॉपुलर इन साउथ ईस्ट एशिया विद थाईलैंड एंड मलेशिया प्रोड्यूसिंग मैनी टॉप प्लेयर रिसेंटली। देखिए अभी आप मलेशिया है, थाईलैंड है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर दिए हैं। आप इनका ओलंपिक में देखिए, लास्ट जो रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था, चाइना विनर हुआ था डबल्स में, मेंस डबल्स में, और मलेशिया रनर रहा था, सेकंड पोजीशन पर रहा था। तो ऐसे ही मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, यहाँ बहुत अच्छे प्लेयर निकले हैं इसके। इसके बाद में इन द 1962 एशियन गेम्स इट वॉज इंक्लूडेड इन जकार्ता। पहली बार एशियन गेम्स हमारी कब से स्टार्ट हुए थे, 1951 से एशियन गेम्स स्टार्ट हुए थे, और पहला एशियन गेम्स हमारी इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। और ये जो ऑर्गेनाइज जब
ये गेम पहली बार ईजाद हुआ, मतलब इसको एशियन गेम को स्टार्ट कराया, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत अहम योगदान रहा है। तो इसीलिए उन्होंने पहले एशियन गेम जो हैं दिल्ली में कंडक्ट किए गए थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर कहीं आता है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद में 1962 में एशियन गेम्स में बैडमिंटन को शामिल किया गया था पहली बार। फिर आगे बढ़ते हैं, द वर्ल्ड चैम्पियनशिप बगन इन 1977। जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी इसकी, वो 1977 से स्टार्ट हुई। वाज हिल्ड वंस एवरी थ्री ईयर अंटिल 1983 तक। मतलब जब ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई तो ये डिसाइड हुआ कि हर तीन साल में, मतलब हर तीसरी साल में एक बार इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जैसे कि ओलंपिक गेम्स हर चार साल में होते हैं, ऐसे ही ये तीन साल में ये तय किया गया था कि तीन साल में एक बार कराएंगे। और ये कब तक चला? 1983 तक चला। फिर 1983 में डिसाइड हुआ कि ये हर दो साल में कराया जाएगा, और ये चला कब तक? 2005 तक। उसके बाद में एवरी ईयर जो स्टार्ट हो गया 2006 से ये स्टार्ट हो गया। लेकिन इसमें ध्यान रखिए, जब भी ओलंपिक ईयर आता है, मतलब जिस साल ओलंपिक होता है उस साल बैडमिंटन का वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, द पॉपुलरिटी ऑफ द स्पोर्ट्स इंक्रीज्ड आफ्टर इट डेब्यूट एट द समर ओलंपिक गेम्स एज ए फुल मेडल ओलंपिक स्पोर्ट्स इन 1992 एट बार्सिलोना। देखो, बार्सिलोना में जो ओलंपिक हुआ था उसमें पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब पहली बार ऑफिशियली खेला गया था मेडल के लिए। उससे पहले भी देखिए, ओलंपिक में कोई भी गेम जो होता है ऐसे ही नहीं शामिल कर लिया जाता है, उस गेम की पॉपुलैरिटी देखी जाती है और ये देखा जाता है उस पर्टिकुलर फेडरेशन से, मतलब अगर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से कितनी कंट्री जुड़ी हुई हैं, कितने उसके मेंबरशिप में, कितने देशों में खेला जाता है, तभी उस गेम्स को शामिल किया जाता है उसकी पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप देख लीजिए, हैंडबॉल गेम को शामिल नहीं किया गया आज तक, क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया। और एक मैं खासियत आपको बता देता हूँ, जो भी प्लेयर पैसों के लिए खेलते हैं उनको शामिल नहीं करते हैं ओलंपिक में, नहीं खेलने दिया जाता है। प्रोफेशनल प्लेयर्स को ओलंपिक में नहीं खेलने दिया जाता है। जैसे कि आप देखिए, फुटबॉल का मैच जब होता है तब आपको जो भी प्रोफेशनल प्लेयर हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे गेम्स में, जो क्लब के लिए खेलते हैं, पैसों के लिए खेलते हैं, तो ओलंपिक में उनकी एंट्री नहीं होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हटके ये बात हो गई, हम अभी फिर से वापस बैडमिंटन पे आते हैं। उसके बाद में ये देखो, कोई भी जब गेम, मैं बता रहा था, कोई भी गेम जब ओलंपिक में स्टार्ट किया जाता है तो उसको पहले ऐसे डेमोंस्ट्रेशन रखा जाता है कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एफर्टनेस कितनी है उसमें, क्या है, तभी उसको ओलंपिक को उसमें शामिल किया था। क्योंकि सबसे बड़ा कोई गेम है, टूर्नामेंट कोई है, वो है ओलंपिक, ठीक है। तो ऐसे ही बैडमिंटन को 1972 में पहली बार इसको डेमोंस्ट्रेट किया गया था और एक एग्जीबिशन के तौर पे 1988 में रखा गया था। उसके बाद में 1992 में इसको शामिल किया गया। इन इंडिया द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया टेक केयर ऑफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग ऑफ इंडियंस बैडमिंटन प्लेयर रेगुलेशन द टीम सेलेक्शन एक्सेट्रा। जो भी मॉनिटरिंग गवर्निंग बॉडी है इंडिया में बैडमिंटन की, उसका नाम आपको यहाँ दिया हुआ है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ये भारत की गवर्निंग बॉडी है जो कि बस टीम के सिलेक्शन पर ध्यान देती है, उसको रेगुलेट करती है, सिलेक्शन वगैरह करती है और ट्रेनिंग और कोचिंग का ध्यान रखती है, ये गवर्निंग बॉडी है। तो ये हमारी आज की थी हिस्ट्री बैडमिंटन को लेकर के। उसके बाद में मैं कुछ प्लेयर्स के आपको नाम बताता हूँ, जैसे कि इंडियन प्लेयर, फेमस प्लेयर हैं प्रकाश पादुकोण, सानिया नेहवाल, अपर्णा पोपट, पुलेला गोपीचंद, ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु, ये फेमस प्लेयर हैं। अच्छा, इन दो, पीवी सिंधु और जो सानिया नेहवाल, दो ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं।
इन 2012 में सानिया नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल लिया था, पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल, पहली भारतीय महिला जिसने अभी तक सिल्वर मेडल लिया है ओलंपिक में वो है पीवी सिंधु। ये भी क्वेश्चन आप लोग कभी जनरल नॉलेज में आएगा तो आप बता देंगे। उसके बाद में बच्चों मैं कुछ फेमस इसके जो कप है इंटरनेशनल कप है उसके बारे में भी एक बार बताना आपको चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखिए ओलंपिक गेम्स है, इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप है, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो एक तरीके से दिव्यांगजनों के लिए होता है, थॉमस कप है, उबेर कप है, सुधीर मान कप है, और WBWF वर्ल्ड सीनियर चैम्पियनशिप भी है। तो ये सारे 8 कप हैं जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है। अब जो है आप लोगों को क्या करना है, इसकी हिस्ट्री आप लिखेंगे अपनी कॉपी पे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसकी हिस्ट्री आपको लिखना पड़ेगी, और मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन आपको कॉपी पे लिखने होंगे बैडमिंटन के, ठीक है। तो जब भी नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो मैं आपका पहले होमवर्क चेक करूँगा, उसके बाद में हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू बच्चों।